वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को ठीक करवाने। तो इसका थोड़ा सा इशू यही हुआ है कि रात को जब इसकी लाइटें ऑन होती हैं तो इसका आरपीएम संभलने बंद ही हो जाती है। गाड़ी आरपीएम इतना अप डाउन होता है कि वो गाड़ी बंद कर देता है लाइटों की वजह से। तो इसका लोड वगैरह का इशू चल रहा है शायद, कि लाइटें ऑन होती हैं। दिन के टाइम सही चलती है, रात के टाइम इशू कर रही है। तो देखते हैं क्या इशू है, इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहा हूँ मैं। तो जो भी इशू हुआ तो वो आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो के साथ रहे। अच्छा, तो पहले करें गाड़ी को स्टार्ट। स्टार्टिंग तो इसकी सही है, आरपीएम भी ये देखें ना अप जा रहा है, मतलब इसका इशू नहीं होता स्टार्टिंग पे। जाहिर बात है जो भी गाड़ी होगी उसका आरपीएम अप ही जाएगा। तो बाकी देखते हैं इसका इशू क्या चल रहा है। अच्छा, तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, वाल्टन पे दुकान है उसकी, तो उधर जाके मैं फिर आपको दिखाता हूँ बाकी के मामला। अच्छा, तो गाइस इसके आरपीएम का इशू था, आप देखिए आरपीएम स्टेबल है। इसका इशू आपको मैं दिखाता हूँ, इसका इशू क्या निकला था। अच्छा, एक तो इसकी ये तार थी, ये वाली इधर टेप की हुई है ना, ये देखें ये अभी भी देखें हलाए तो अब नहीं कहिए, देखें ये मिसिंग करती है जैसे। बहरहाल अब नहीं कर रही, जो ज़्यादा इशू था वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, दूसरा इसका ये वाला था, ये तारों का इशू था सबसे ज़्यादा मेजर जो था। इसको लाए तो वो गाड़ी बंद हो जाती थी, ये थ्रोटल के साथ लगा होता, एक ये था, ये क्लिप्स वगैरह थे और इनकी वायर थी, बाकी इसका कोई इशू नहीं था। अच्छा, तो गाइस मैं ये बताना भूल गया कि गाड़ी पे कॉस्ट खर्चा कितना आया है। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर चेक करवाया था, तो 300 कंप्यूटर चेकिंग पे लिया था, उसका एरर वगैरह नहीं आया था। तो उसके बाद उसने ये बताया कि इसकी ट्यूनिंग का इशू है, ट्यूनिंग का इशू नहीं था, है इलेक्ट्रिशियन का काम था। तो वो कह रहे थे कि इसका ये भी चेंज करो, वो भी चेंज करो, तो इसका सब कुछ तो हुआ था गाड़ी का। तो जिससे मैंने पहले काम करवाया था उसके पास मैं ले गया, तो सिर्फ़ एक वायर जो मैंने आपको क्लंप वगैरह दिखाए हैं उसका इशू था, तो उसकी वजह से आरपीएम डाउन कर रही थी गाड़ी। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखा करें, थ्रोटल को एवी ना खुलवा दिया करें या वॉश करवाया करें, और सेंसर वगैरह और इसके जो क्लिप्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।